है, तो प्रोबेबिलिटीज टोटल नंबर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. प्रोबेबिलिटी 0 मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 मीन्स श्योर इवेंट. दो तरह दी अप्रोचेज होंगे प्रोबेबिलिटी को टैकल करने दी. वन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड सेकेंड इज एक्जियोमैटिक अप्रोच. जिहड़ी हुण तक तुसीं पढ़ते आए हो स्टैटिस्टिकल अप्रोच वो की सी कि एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली. आप यही पढ़ते आए हैं कि अगर कॉइन सुटिया तो कॉइन सुटन दे विच हैड ऑन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, टेल ऑन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2. ठीक है, डाइस सुटी अपना 1 ऑन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 ते 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6. अगर वो चीज़ नूं आपां लैके चलदे रहिए तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी. बट ये ज़्यादा लॉजिकल नहीं हैगी जी. ठीक है, नॉट दैट लॉजिकल, उन्ना लॉजिकल अपने कोले आंसर नहीं आ सकता. ठीक है, की पता कॉइन दे एक साइड से मतलब धूड़ मिट्टी मिट्टी इन्नी जमी होवे कि वह टेल ज़्यादा सुटता होवे, हैड घट आउंदा होवे. ठीक है, कुछ भी हो सकता. अगर आप वो जे फैक्टर्स नू कंडीशन च लैके भी चलते हैं तो आपां कुछ होर पैरामीटर्स बनाने पैने हैं. हो सकता कि एक कॉइन नू सुटन ते उहदे हैड ऑन की प्रोबेबिलिटी 1/3 होवे, बट उहदे टेल ऑन की प्रोबेबिलिटी कितनी होवे 2/3. ठीक है, कुछ भी हो सकता. फिर उस तरीके की प्रोबेबिलिटी नू बनाउण दे लई आपां की बनाउने आ, एक्जियोमेटिक अप्रोच बनाउने आ, जिहदे च कुछ अपने कोले दो जां तीन की है एक्जियम्स बनाए हुए आ. ठीक है, कुछ प्रूवड रिजल्ट्स ने अपने कोले जिन्हां नू यूज करके आपां किसी भी ईवेंट की प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं. ठीक है, कि इस ईवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. जिमें मैनू यह पता कि 1 ऑन की प्रोबेबिलिटी, 2 ऑन की प्रोबेबिलिटी, 3 या 4 या 5 या 6 ऑन की प्रोबेबिलिटी कुछ मर्जी हो गए, बट उन्होंने सारिया प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होना चाहिए 1. तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जियम इन एग्जियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वो सारिया ईवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को मिला के 1 बनना चाहिए. हुण अपने ते है कि 1 नू डिवाइड किवें करना. मैं 1/6, 1/6, 1/6 देना या कुछ होर उहदे च पैरामीटर चेंज करने हैं, जिवें जिवें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जिवें डाइस चेंज होगी. ठीक है, तो दैट इज़ एग्जोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी. ये तुसीं ऑलरेडी पढ़ के आए हो, इत्थों आपां स्टार्ट करनी है. ठीक है, उहदे लई कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आ जिहड़ियां आपां नूं याद रहनियां चाहीदियां. ठीक है, फर्स्ट इज़ रैंडम एक्सपैरीमेंट. वार वार आप यूज़ करांगे वर्ड रैंडम एक्सपैरीमेंट. रैंडम एक्सपैरीमेंट का मतलब कि कुछ ऐसो जहाँ जिहड़ा आप कोई काम कर रहे हैं जिहदी आउटकम आपां ऑलरेडी काम होने तो पहला नहीं पता. ठीक है, एक्सपैरीमेंट हुज आउटकम इज़ नॉट नोन प्रायर टू इट्स परफॉर्मिंग उन्हों आप की कहने हैं रैंडम एक्सपैरीमेंट. ठीक है, इन अ रैंडम एक्सपैरीमेंट देर विल बी फ्यू आउटकम्स. ठीक है, आउटकम्स आ सकती हैं जिवें इन अ रैंडम एक्सपैरीमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस वट आर द आउटकम्स गैटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो पहला वर्ड होएगा रैंडम एक्सपैरीमेंट. एक्सपैरीमेंट हुज आउटकम्स आर नॉट नोन टू अस प्रायर टू इट्स परफॉर्मिंग एंड आउटकम्स की होनगियां जिहड़ियां पॉसिबल अपने कोल रिजल्ट्स उहदे चों निकल के आउंदे आ. ठीक है, काम की चीज़ इत्थों की निकल के आउंदी है सैंपल स्पेस. वट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज सैट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपैरीमेंट. ठीक है, कोई भी रैंडम एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करने किनिया पॉसिबल आउटकम्स हो सकती उन्होंने अगर आप एक सैट की फॉर्म के लिखा तो दैट सैट विल बी कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस. ठीक है, जिमें एग्जाम्पल अपने को थ्रोइंग अ कॉइन, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? 2. हैड होएगा या टेल होएगा, तो इट्स सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाई एस, तो देर विल बी 2 एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस, आइदर देर विल बी अ हैड और देर विल बी अ टेल. इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, तो हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन सैंपल स्पेस? देर विल बी 4 एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. केड़े केड़े 4 होंगे? हैड हैड, टेल टेल, हैड टेल या टेल हैड. ठीक है, तो सैंपल स्पेस विल बी रिटन एज हैड हैड, हैड टेल, टेल हैड और देयर विल बी टेल टेल. इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स कुड बी देयर? 8. ठीक है, देयर विल बी 8. केड़े केड़े होंगे वो? हैड हैड, इन्हों बना सीख लियो, काम आएगा बहुत अपने. ठीक है, टेल हैड, हैड हैड, टेल हैड, कोई गल्ला नहीं, हैड हैड, टेल हैड, टेल टेल,
टेल हैड टेल एंड टेल टेल हैड, दीज पॉसिबल आउटकम्स विल बी। ठीक है, किहड़े किहड़े किवें याद रखना, दो आउटकम्स तो आउणगे जिन्हां दे विच तीनों हैड या तीनों टेल, फिर तीन आउटकम्स इहो जी आउणगीआं जिहदे विच वन हैड एंड टू टेल्स, ते तीन आउटकम्स इहो जी आउणगीआं जिहदे विच वन टेल एंड टू हैड्स आउणगे। ठीक है, तो टोटल देयर विल बी एट आउटकम्स ऑफ व्हेन ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हेन थ्री क्वाइंस आर रैंडमली टॉस्ड। ठीक है, सिमिलरली इफ फोर क्वाइंस आर टॉस्ड, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 16। अगर एक क्वाइन टॉस किया तो 2^1, अगर दो क्वाइंस टॉस किए तो 2^2, अगर तीन क्वाइंस टॉस किए तो 2^3, एंड अगर आप चार क्वाइंस टॉस किए तो देयर विल बी 2^4 आउटकम। तो सिमिलरली इफ एन क्वाइंस आर टॉस्ड, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2^n, दैट विल बी 2^n। ठीक है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, एक आप डाइस थ्रो की, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स कुड बी देयर, इधर देखो डाइस थ्रो की तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स कुड बी देयर, 6। पेयर ऑफ डाइस थ्रो किए तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स कुड बी देयर, 36। अगर आप ट्रिपलेट या तीन डाइस थ्रो की तो हाउ मैनी आउटकम्स विल बी देयर, 216। ठीक है, एक डाई वाले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता ही अपन, दो वाले वो तो ब्लॉक है जो कॉलम बनाते से आप याद रहना चाहिए, 1, 1, 1, 2, 1, 3 किवें करते सी, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6. ठीक है, जदों दो डाइस की गल आऊगी उदों तो आप सैंपल स्पेस बना के फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट जदों दो तो ज़्यादा डाइस आनियाँ शुरू हो गई, 3, 4, 5, 6 कितों तक भी लैके जा सकते हैं, उत्थे फिर आप काउंट नहीं करांगे कुछ, आप उत्थे परमुटेशन के कंसैप्ट लावांगे कि हाउ मैनी सच कॉम्बीनेशन गुड बी देयर। ठीक है, मान लो मैनू कह दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग 3 4s and 3 6 ऑन थ्रो ऑफ 6 डाइस टूगैदर कि 6 डाइस थ्रो कीतियाँ, आपां की चाहिए उन्होंने, तिना डाइस से की चाहिए, 4 चाहिए, तो तिना डाइस से की चाहिए अपन, 6 चाहिए। वैसे ही रैंडम क्वेश्चन है, की हो सकती है प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी उस, अगर 6 डाइस थ्रो कीतियाँ तो दैट विल बी 6^6, सिंपल है। हुण मैनू की चाहिए, 6 आउटकम्स आनियां सी, मान लो फर्स्ट की आउटकम है 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th, मैनू की चाहिए 4, 4, 4, 6, 6, 6, मतलब 3 डाइस से मैनू की चाहिए 4, तो 3 डाइस से मैनू की चाहिए 6, मतलब यही आउटकम्स हो गया। ना हाउ मैनी वेज आर देयर टू अरेंज 3 4s and 3 6s ऑन 6 places, दैट विल बी 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial। याद है ना, रेपिटिशन वाला कंसैप्ट, 6 दे 6 नू अरेंज करन दा तरीके 6, ना 3 4s are identical तो 3 factorial, 3 6 identical ने तो हेयर ऑल्सो इट विल बी 3 factorial, तो प्रोबेबिलिटी विल बी अपॉन 3 factorial 3। ठीक है, इस तरीके दे नाल चलांगे, आपां काउंट नहीं करांगे फिर उत्थे, आपां बनावांगे कंडीशन ते उन्हां दी काउंट कर लांगे यूजिंग द कंसैप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिख लो ब्रीफली या लिख लो इनू जो जो चीज़ां लिखियां, आपां फिर अगे चलते हैं। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਟ ਬਰੀਫਲੀ ਜੋ 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 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਣਾਓ ਨੋਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ।
लिख लो जल्दी, इनू मैं डिटेल च पढ़ांगे आप एग्जियम्स से, जो प्रोबिलिटी के जनरली उत्ते पहुँच जाएंगे आप फिर एग्जियम्स सारे पढ़ा के लिखा के किड़े किड़े एग्जियम का जो आप फॉलो करते हैं चीज़ें लिखांगे आप। बट फिलहाल तुम्हें यह पता होना चाहिए कि देर आर टू अप्रोचेज, एग्जियोमैटिक एंड स्टैटिस्टिकल। ठीक है, नॉर्मली हजे भी जी तुम प्रोबिलिटी करोगे वो भी 90% स्टैटिस्टिकल अप्रोच ही फॉलो होएगी। ये किसी किसी पॉइंट पर जाके आप प्रोबिलिटीज़ को अलग अलग करा, कॉइन ते हैड ऑन दी प्रोबिलिटी नू 1/2 ही रखना आपां, बट जो स्पेसिफिकली कितने क्या जाऊगा बायस्ड कॉइन आएगा दैन आप कितने जाके चेंज करांगे। ठीक है, हुण एक एग्जाम्पल जिवें, ठीक है, मान लो स्टूडेंट इज एबसेंट फॉर टू कंजीक्यूटिव डेज, इफ देर आर चांसेस दैट द टेस्ट कुड बी कंडक्टेड और कुड नॉट बी कंडक्टेड इन दोज टू डेज, ड्रॉ द सैंपल स्पेस। मान लो कि कोई बच्चा दो दिन के लिए एबसेंट होया क्लास के विचों, ठीक है, कोई रेंडम चांसेस है, हो सकता कि जिस दिन वो टेस्ट गया टेस्ट होया हो, या जिस दिन नहीं गया उस दिन टेस्ट नहीं होया हो। वट आर द पॉसिबल आउटकम्स, वट आर द पॉसिबल कॉम्बीनेशन दोज कुड बी देयर। नहीं 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 नहीं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस प्रॉबिलिटी नहीं, सैंपल स्पेस की सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स की हो सकती हैं, की चांसेस हो सकते हैं। चांसेस इवें हो सकते हैं, देखो मान लो दिस इज अबाउट डे वन, दिस इज डे टू, इतने टेस्ट होया यस 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 नो नो यस नो, यही हो सकते पॉसिबल आउटकम्स। मतलब एक कोरिलेशन है कि जरा हैड टेल आना या टेल हैड आना यह सिर्फ हैड टेल तक सीमित नहीं रह जाता, आपां किते भी एक कंसैप्ट जिहड़ा कॉइन्स वाला कंसैप्ट है ये किते भी अप्लाई किया जा सकता। जिथे दो पॉसिबल आउटकम्स आ उत्थे दो कॉइन्स नू टॉस कर दो, जिथे तीन पॉसिबल आउटकम्स आ उत्थे तीन कॉइन्स नू टॉस कर दो। ठीक है, जिवें आपां नू देखिया टैसट ना होण दी या होण दी प्रोबेबिलिटी सिंपल ऐ ही वेरी करेगी कि हो सकता दोनों दिन हो जाए टेस्ट, हो सकता दोनों दिन ना हो, पहले दिन हो जाए या दूसरे दिन ना हो, दूसरे दिन हो या पहले दिन हो जाए। ठीक है, ये भी अपना छोटी छोटी ऑब्जरवेशन देख लें। देखो इधर सम कि 7, सम कि 7। ठीक है, तो 7 सम वाले किन्ने केसिस ने, 2। ठीक है, अगर मैं पूरी थोनू तो कह कि पूरी सैंपल स्पेस के हाउ मैनी एलीमेंट्स आर देयर दोज आर हैविंग सम इक्वल्स टू 7, तो किन्ने किन्ने ने 1, 6 and 6, 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, दो ही है ना। ठीक है, 1, 6, अच्छा मतलब 7 नहीं सॉरी, हाँ 2 तो इतों शुरू करना सी, हाँ ठीक है इतों शुरू कर दे। 2 सम वाले किन्ने ने अपने को, सिर्फ एक है, सम 2 कितों मिल रहा, सिर्फ 1, 1 तो मिल रहा। अगर मैं थोनों तो कह कि सम 3 कितों मिलेगा, सम 3 कितों मिलेगा अपन इन्हों दोनों तो 2, 1 and 1, 2। सम मैनू 4 कितों मिलेगा इन्हों तिना तो, सम 5 कितों मिलेगा इन्हों चारा तो, सम 6 कितों मिलेगा इन्हों 5 तो, इनू आप मिटा दें इतने। सम 6 कितों, 7 कितों मिलेगा थानू इतों, सम 8 कितों मिलेगा इस जगह तो, सम 9 कितों मिलेगा इन्हों चारा तो, सम तुहानू 10 कितों मिलेगा इतों, सम 11 कितों मिलेगा इतों, तो सम 12 कितों मिलेगा तुहानू इस जगह तो। ठीक है, हुण देखो इन अ रेंडम एक्सपेरीमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइज फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गैटिंग सम इक्वल्स टू 2। सम इक्वल्स टू 2 दे विच किन्ने एलीमेंट्स ने, 1, तो प्रोबिलिटी विल बी 1/36। फाइंड द प्रोबिलिटी ऑफ गैटिंग सम इक्वल्स टू 3, 2/36। Find the probability of getting sum equals to 4, 3/36.
sum equals to 5, 4 by 36, sum equals to 6, 5 by 36, sum equals to 7, 6 by 36, sum equals to 8, again 5 by 36, sum equals to 9, again 4 by 36, sum equals to 10, again 3 by 36, sum equals to 12, again 2 by 36 and sorry 11, 2 by 36 and sum equals to 12, that will be 1 by 36. तो इतने ही चल दिया है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, ठीक है। कोई चीज़ इदा नहीं कि नवी नहीं दसी, बट हाँ इवें इनू थोड़ा जा जे फमीलियर रहोगे चीज़ में, इवें याद करन दे विच तां क्वेश्चन सौखे हो जाएंगे। लिख लो इनू, A coin is tossed कर लो कंप्लीट कर लो। ठीक है, सुनो देखो इधर, जब एक वैसे एक रैंडम क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड कम्स अप टॉस अ डाइस एंड इफ टेल शोज थ्रो अ कॉइन अगेन, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। पहला आप एक कॉइन सुटिया, कॉइन ते मैं चेक करूंगा कि कॉइन ते हेड आएगा या टेल आएगा। अगर वो कहें कि अगर की आ रहा हैड तो नाल दी नाल एक डाइस सुट दो, अगर उत्थे की आ रहा टेल आ रहा तो वह कॉइन नू की करो दोबारा तुसी टॉस करो, एक भी टेल आ जाएगा तो उत्थे की करांगे कॉइन नू आपां टॉस, ठीक है। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स विल बी देयर इन दिस सैंपल स्पेस, किन्ने 9 8, किन्ने एलीमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस दे विच। हजे तो आप सिर्फ आ चीज़ पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स किवें काउंट करनी है आप, ठीक है। की किया आप, एक कॉइन सी मेरे को, कॉइन नू टॉस किया, दो चीज़ा आ सकदियां सी, या तो हैड आ सकता सी या की आ सकता सी टेल। अगर तो हैड आता तो मैं की करना सीगा एक डाइस थ्रो करनी सी, अगर टेल आता तो मैं उस कॉइन नू की करना सी दोबारा टॉस करना सी। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ पॉसीबल आउटकम्स विल बी देयर इन एन एक्सपेरीमेंट टिल दिस, 10 8 9 10, तीन हो गया आंसर। होर बना के देखो की होगा, पहला कॉइन सुटिया, दैट कॉइन कुड बी शोइंग अस हैड और इट कुड बी शोइंग अस टेल। अगर वो हैड आता तो आप करते हैं एक डाइस थ्रो करते हैं, तो ये किन्ने कॉम्बीनेशन हो गए, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6, ये कॉम्बीनेशन हो सकते हैं कि पहला हैड आया, हैड आने के नाल डाइस दियाँ किन्नी ऑप्शन आके जुड़ जाएँ 6। अगर टेल आता तो टेल के नाल की आएगा, टेल दे नाल हुण या तां अगले कॉइन दे उत्ते हैड आएगा या अगले कॉइन दे उत्ते की आएगा, टेल आएगा। इस तो इलावा तो होर कोई आउटकम ही नहीं हैगी, तो किन्ने हो गए 6 ते 2, इन टोटल देर विल बी 8 आउटकम्स, ठीक है। फर्दर अगर कह देन इफ ईवन नंबर शोज, कि अगर ए वाली कंडीशन बनती है, ईवन नंबर शोज ऑन द डाइस
ਅਗਰ ਟੌਸ ਅ ਕੁਆਇਨ ਤਾਂ ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਐਚ ਟੂ ਐਚ, ਐਚ ਟੂ ਟੇਲ, ਐਚ ਫੋਰ ਐਚ, ਐਚ ਫੋਰ ਟੇਲ, ਐਚ ਸਿਕਸ ਹੈਡ, ਐਚ ਸਿਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਫ ਔਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਥਰੋ ਅ ਡਾਈਸ, ਅਗਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਚ ਵਨ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਐਂਡ ਐਚ ਫਾਈਵ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਚ ਵਨ ਵਨ, ਐਚ ਵਨ ਟੂ, ਐਚ ਵਨ ਥ੍ਰੀ ਟਿਲ ਐਚ ਵਨ ਸਿਕਸ, ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਵਨ, ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਟੂ ਟਿਲ ਐਚ ਥ੍ਰੀ ਸਿਕਸ, ਐਚ ਫਾਈਵ ਵਨ, ਐਚ ਫਾਈਵ ਟੂ ਟਿਲ ਐਚ ਫਾਈਵ ਸਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਫ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਇਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਇਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਡ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈਡ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਇਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੈਡ ਆਇਆ, ਦੈਨ ਥਰੋ ਅ ਡਾਈਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਫਰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਟੀ ਐਚ ਵਨ, ਟੀ ਐਚ ਟੂ ਟਿਲ ਟੀ ਐਚ ਸਿਕਸ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਟੀ ਟੀ ਵਨ, ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਟੇਲ, ਟੌਸ ਇਟ ਅਗੇਨ, ਤੋ ਟੇਲ ਟੇਲ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟੇਲ ਟੇਲ ਟੇਲ। ਤੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ, 6, 6 ਤੇ 2 8, 8 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 8 ਤੇ 6 14, ਤੇ 6 20, ਤੇ 6 26, 26 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6, ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਟੋਟਲ 32 ਆਊਟਕਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਿਓ ਇੱਕ, ਜਸਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਓਗੇ। ठीक है, नाउ व्हाट इज इवेंट। ठीक है, इवेंट क्लास नु कहने आप, इवेंट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस is called event. Any subset of sample space is called event. Sample space ki hai? Sample space hai head ya tail hona. Suppose in tossing two coins, head ya tail hona ki hai? Sample space hai. Theek hai? Un sample space de vich apa kinniyan events associate kar sakde hai, jinne ode ki honge? Subset honge. Matlab unne utthon tuhanu questions puchhe ja sakde hai, jinne us sample space de ki honge? Subsets honge. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਬਸੈਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸੈੱਟ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਬਸੈਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਬਸੈਟਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ, 2 ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ n, ਤੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ n ਇਵੈਂਟਸ ਕੁਡ ਬੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਟੂ ਅ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਐਨੀ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਵੈਂਟ,
एंड वी नो दैट अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स हैव टू रेस टू द पावर एन सबसेट्स. दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ इवेंट्स भी किन्ने हो सकते हैं, दैट कुड बी टू रेस टू द पावर एन. नंबर ऑफ इवेंट्स एसोसिएटेड भी किन्ने हो सकते हैं, टू रेस टू द पावर एन. ठीक है, जे मैं थोनों ये कह दा ईवेंट की होगा, इन एन ईवेंट ऑफ गैटिंग हैड ऑन फर्स्ट वन ऑन सैकेंड एंड वन ऑन थर्ड. इन एन ईवेंट ऑफ गैटिंग हैड ऑन वन फर्स्ट फाइव ऑन सैकेंड एंड वन ऑन सैकेंड. इन एन ईवेंट ऑफ गैटिंग टेल ऑन फर्स्ट हैड ऑन सैकेंड सिक्स ऑन थर्ड. ये सारिया चीज़ा की होनगियाँ, दे विल बी ईवेंट. तो यह जो किन्ने ईवेंट्स बना सकते हैं आप, दिस कुड बी टू रेस टू द पावर एन. हूँ आप देखिया कि पिछले रैंडम सैंपल स्पेस के एलीमेंट्स किन्ने आए से 32. तो मतलब इन टोटल देयर कुड बी टू रेस टू द पावर 32 ईवेंट्स, दोज कुड बी एसोसीएटड विद दिस. ठीक है, टू रेस टू द पावर 32 ईवेंट्स नूं आपां की कर सकते हैं, एसोसीएट कर सकते हैं. ये तो याद है ना कि टू रेस टू द पावर एन सबसेट्स कुड बी देयर. सपोज अपने को वाली चीज़ आ गई, किसी सैट के अपने को दो एलीमेंट्स ने, तो हाउ मैनी सबसेट्स कुड बी देयर, फोर. किड़े हैड टेल बोथ एंड फाइव. ठीक है, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरीथिंग, तो दैट फाइव विल ऑलसो बी काउंटेड इन दैट. उवें ये किन्ने सबसेट हो गए, टू रेस टू द पावर फोर, टू रेस टू द पावर एट, टू रेस टू द पावर 16 एंड सो ऑन. ठीक है, दैन ईवेंट्स के देखिया देख ही चुके हैं, देयर इज इम्पॉसिबल ईवेंट. इम्पॉसिबल ईवेंट इज इफ प्रोबिलिटी ऑफ ईवेंट इज इक्वल्स टू जीरो. दैन देयर इज श्योर ईवेंट, probability of event is equals to 1. ठीक है, देख लो पहला इतने एक बार. impossible event means if its probability is equals to 0, sure event means if its probability is equals to 1. then there is an event called simple event. what is simple event? simple event is if any event occupies only one element from the sample space. कोई एहो जी ईवेंट जिहड़ी सिर्फ इको एलीमेंट सैंपल स्पेस का ऑक्यूपाई करे या आपदे नाल जोड़े, उन्हों आपां की कह दिंदे आ, सिंपल ईवेंट. एनी ईवेंट दैट ऑक्यूपाइज ओनली वन एलीमेंट ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, एंड इन कंट्रास्ट टू दिस देयर आर कंपाउंड ईवेंट्स. कंपाउंड ईवेंट्स की होंगे, दोज एसोसीएट मोर दैन वन एलीमेंट. दोज एसोसीएट मोर दैन वन एलीमेंट ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है, सिंपल ईवेंट जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ इको एलीमेंट ही लेके जाते हैं. जिवें मैं तुहानू कहां, इन अ रैंडम एक्सपेरीमेंट ऑफ थ्रोइंग टू कॉइन्स देर इज एन ईवेंट इन विच वी गैट हैड ऑन फर्स्ट एंड हैड ऑन सैकेंड. हैड ऑन फर्स्ट एंड हैड ऑन सैकेंड के सिर्फ आही निकल के आएगा, तो मीनस दैट इज़ अ सिंपल ईवेंट. बट अगर मैं थोड़ा कहव, इन अ रैंडम एक्सपेरीमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स देर इज़ एन ईवेंट इन विच वी आर गैटिंग वन हैड एंड वन टेल. वन हैड एंड वन टेल के निकल के आ रहे हैं, दो एलीमेंट्स निकल के आ रहे हैं, तो इन टोटल दैट ईवेंट विल बी अ कंपाउंड ईवेंट. ठीक है, नॉर्मली कितने इवें नहीं होगा कि कंपाउंड ईवेंट की कितने लड़ पाएगी, बट क्वेश्चन के कई बार जो थरेटिकल जिदे विचों ए यूनियन बी ते ए यूनियन बी यूनियन सी वाले जिते आपां फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंदे आ, उत्थे ईवेंट नूं सिंपली लिख देंदे आ कंपाउंड ईवेंट. कंपाउंड ईवेंट मतलब सैंपल स्पेस दे एक तो ज़्यादा एलीमेंट्स उहदे च आ सकदे आ. अगर उन्होंने कहा सिंपल ईवेंट मतलब ओनली वन एलीमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज एसोसीएटड विद दैट ईवेंट. ओके, कर लो कंप्लीट इत्थों तक. हाँ, फाइव भी सिंपल ईवेंट है. ठीक है, इन रेंडम एक्सपेरीमेंट ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ कॉइन्स फाइंड द एक्सपेरीमेंट ऑफ गैटिंग थ्री, नहीं आएगा कभी, तो दैट इज ऑल्सो फाइव हो गया ना, वो फाइव आए तो मतलब दैट इज अ सिंपल इवेंट. ठीक है, अज आप थरैटिकल पार्ट में इतें ही रोकते हैं, कल आप टाइप्स ऑफ ईवेंट कल करा, नहीं तो थ्यूरी ज़्यादा हो जाएगी. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, प्रोबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन जोड़े थोनों आते ही ऑलरेडी तुम किए हुए हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चन किए होंगे तुम पहला ऑलरेडी. ठीक है, वो रिपीट भी होंगे, कुछ को आप मॉडिफाई भी करांगे.
ठीक है, इवेंट एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, अ सेट हैविंग एन एलिमेंट्स विल बी हैविंग 2 रेज टू द पावर एन इवेंट्स एसोसिएटेड विद इट, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी 1, सिंपल इवेंट इफ ओनली वन एलिमेंट इज देयर, एंड कंपाउंड इवेंट इफ मोर देन वन एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, ठीक है, सुनो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन लिखन ते ज्यादा टाइम लगूगा अपन नु, सॉल्व जल्दी हो जाए करना, ठीक है, तो उवें उस तरीके नाल लिखियो, पहुंच जाओ पहला जल्दी सारे इत्थे, नाल नाल करांगे क्वेश्चंस। ठीक है, हो गया नोट, चलो आ जाओ इतने क्वेश्चन देखो, पहला देखो रख दो पेन 2 मिनट लिए, हिमांशु इधर, क्वेश्चन इज द पुलिसमैन नोटेड द व्हीकल ऑफ रनिंग व्हीकल ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है, व्हीकल नंबर ऑफ रनिंग व्हीकल ऑफ 5 डिजिट्स, नंबर नोट किया, नंबर के डिजिट्स किने से 5, ही रिमैम्बर्ड फर्स्ट टू डिजिट्स उन्होंने की सी याद रह गए, but he forgot the last 3 digits, but he remembered that last 3 digits were different, they were different, find the probability of guessing the correct vehicle number, what will be the probability of guessing the correct vehicle number, theek hai ki hoya oh dekho le, there were in total there were 5 digits of that vehicle number, let the first be A and B, but he forgot that what were the last 3 digits, but he remembered that last 3 digits are different, how many possible outcomes could be there if he starts guessing what was the vehicle number, how many total number of outcomes will be there if all 3 digits over here are to be different, so how many total number of outcomes could be there, kinne ho sakde hain, nahi nahi nahi, simple thoda simple socho, 10 × 9 × 8, theek hai ki ho sakda, a place te kinne numbers aa sakde hain, there are 0 टू 9 किन्ने डिजिट्स ने अपने को 10, तो इस प्लेस से कुछ भी आके बैठ सकता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल दिस प्लेस किन्ने होंगे 10, ठीक है, गिवन दैट लास्ट 3 digits वर डिफरेंट, तो इतने ये जगह फिल करने के लिए मेरे को किन्ने ऑप्शन ने 9, एंड थर्ड जगह फिल करने के लिए मेरे को किन्नी ऑप्शन ने 8, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किन्ने हो जाएंगे 10 × 9 × 8, या ठीक है 10 × 9 × 8। Now,
Find the probability of guessing the correct vehicle number. What will be the total number of favorable outcomes? वन, करेक्ट नंबर तो सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/720, ठीक है, की करेगा वो 720 गैस करेगा कि 720 ऑप्शंस आर देयर, अब फेवरेबल फेवरेबल की है, करेक्ट करेक्ट तो सिर्फ एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे 720, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 1, तो आंसर विल बी 1/720। नहीं 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 आपस से डिफरेंट होने चाहिए, पहले दो बारे तो अपन कुछ पता ही नहीं, वो तो उन्होंने याद है लास्ट थ्री डिजिट्स, उन्होंने ये याद रह गया कि दे आर डिफरेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर जॉइंड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। करो ट्राई, थ्री वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर जॉइंड रैंडमली, कोई तीन वर्टिसेस चक के आप ज्वाइन करते रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स की गल हो रही है पहला, ठीक है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कुड बी मेड बाय ज्वाइनिंग थ्री वर्टिसेज ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, की पढ़िया सी आपां, अगर इफ दे आर एन नॉन कोलीनियर पॉइंट्स नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दोज कुड बी जनरेटेड आर 6NC3, यही होंगे ना, नंबर ऑफ लाइनस किनिया पॉसीबल ने NC2, इफ दे ऑल द पॉइंट्स आर नॉन कोलीनियर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसीबल किन्ने ने NC3, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटल्स पॉसीबल किन्ने ने NC4, ठीक है। मैं दोबारा चलो रिवाइज नाल नाल आप थोड़ा थोड़ा करते जाने हैं, सुनो, मान लो मेरे को मैं नंबर ही लैके चल रहा, सुनो इधर, मान लो 10 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स आर देयर, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स किनिया बना सकते हैं आप इन्हों चो, 10 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स आर देयर, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कुड बी ड्रॉन किनिया हो जाएंगे, दैट विल बी 10C2, कोई दो पॉइंट चकांगे मिलावांगे लाइन बन जाएगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किन्ने हो जाएंगे 10C3, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटल्स किन्ने हो जाएंगे 10C4, ठीक है, सिंपल, जदों सारे के सारे पॉइंट्स की ने नॉन कोलीनियर ने, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन के विच दो तो वध पॉइंट्स लाइन के विच लाई नहीं कर रहे, 10 की ने मेरे को नॉन कोलीनियर, तो 5 की ने कोलीनियर, 10 नॉन कोलीनियर अलग पे ने, अंशु मेरे तरह देखो 10 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स अलग पे ने, 5 अपने को ने अलग तो कोलीनियर पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइनस किन्ने हो गए 5C2 plus 1, सोचो थोड़ा जा, 10 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स आर देयर इन अ स्पेस, 5 कोलीनियर पॉइंट्स डिफरेंट 5 कोलीनियर पॉइंट्स आर देयर, 10 नॉन कोलीनियर ऊपर पे है, 5 कोलीनियर पॉइंट्स एक लाइन दे विच पे है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन यूजिंग दोज 15 पॉइंट्स, 5C2 क्यों कह रहे हो बार बार, ठीक है, किन्ना होएगा 10 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स है, किसी दो नु मिला देंगे तो लाइन बन जाएगी, दैट विल बी 10C2 प्लस एक नॉन कोलीनियर दे विचों पॉइंट ले लेंगे, एक कोलीनियर दे विचों पॉइंट ले लेंगे, दोनों नु मिला देंगे तो भी लाइन बन जाएगी, तो 10C1 into 5C1